देखेंगे कि फायर अलार्म कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए 9 वोल्ट बैटरी, बजर और एक स्टार्टर। तो स्टार्टर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में 10 रुपये का मिल जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। तो करना क्या है, इसको खोल लें। खोलने के बाद एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे ऐसे ओपन करना है। मेरा यूज़ कीवर स्टार्टर है, तो मेरे इसके अंदर काला काला पहले से आया है, पर आपको जो मिलेगा वो ट्रांसफर रहेगा। तो पहले ये रेड वायर और ये रेड वायर, बैटरी की और बजर की रेड वायर दोनों को जोड़ना है। ये होने के बाद स्टार्टर पे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये और ये। तो एक ये वायर, ब्लैक वायर एक पॉइंट पे ऐसे, और ये वायर ब्लू वायर ये पॉइंट पे। पर ये दोनों जब टच होंगे तब कनेक्शन चालू होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों दूर होने चाहिए। अब ये हमारा फायर अलार्म तैयार है। तो अब ये यूज़ कैसे होगा, तो करना क्या है। ये मेरा कनेक्शन टूट गया था, तो मैंने जोड़ दिया है। तो कनेक्शन जोड़ने के बाद करना क्या है, माचिस या फिर कोई भी चीज़ जिससे फायर लगती है, उससे ये जो पॉइंट दिख रहा है मिडल का, इधर लगाना है। जैसे कि ये देखो, मैं करके बताता हूँ। ये टूटी थी, तो ये चालू हो गया है। देखा कितना इजी है। तो ये है हमारा फायर अलार्म। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।